बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 5 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं आखिर माजरा क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पे जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं, उनकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन डॉलर पहली बार टच हुई है May 21 को, यानी आज ही। और इस साल के स्टार्ट से हमें BSE लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 633 बिलियन डॉलर्स की बढ़त देखने को मिली है। इसी वजह से इसने 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्क टच किया है। तो अगर हम मार्केट कैप जर्नी की बात करेंगे तो 1 ट्रिलियन डॉलर BSE लिस्टेड कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन ने टच किया था 2007 में, 2 ट्रिलियन डॉलर टच किया था जुलाई 2017 में, एंड 3 ट्रिलियन डॉलर टच किया था May 2021 में, वहीं 4 ट्रिलियन डॉलर टच किया था 2023 में, एंड वही आज May 21, 2024 को 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस किया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड मार्केट से कंपेयर करेंगे डॉलर टर्म्स में तो USA मार्केट कैपिटलाइजेशन है 55.65 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की है 9.4 ट्रिलियन डॉलर, जापान की है 6.42 ट्रिलियन डॉलर, एंड हांगकांग की है 5.47 ट्रिलियन डॉलर, एंड नाउ इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर। और इसके पीछे की वजह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें 16.3% एंड 11.5% की बढ़त देखने को मिली है। बहुत इंडेक्सेस वहीं सेंसेक्स में हमें 2.3% की बढ़त देखने को मिली है। इन्हीं कारणों से इतना बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।